नमस्कार, गुड मॉर्निंग राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं सबसे पहले बड़ी खबर की। सियासी हलचल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों से जुड़ी ये बड़ी खबर। गहलोत सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की खबरों के बीच आज बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों की बैठक होगी। आज जयपुर में ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक का मुख्य एजेंडा रहेगा मंत्रिमंडल में जगह और राजनीतिक नियुक्तियां। हालांकि विधायक जोगिंदर सिंह अवाना नोएडा में हैं, जबकि और वाजिब अली ऑस्ट्रेलिया में हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वीडियो कॉल के जरिए दोनों बैठक में शामिल होंगे। तो कैबिनेट विस्तार है बैठक का मुख्य एजेंडा। बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों की आज महत्वपूर्ण बैठक है। और आपको बता दें, पार्टी के दो नेता बाहर हैं, जिसमें विधायक जोगिंदर सिंह अवाना नोएडा में है, जबकि वाजिब अली इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे। तो बैठक का मुख्य एजेंडा मंत्रिमंडल में जगह और राजनीतिक नियुक्तियां हैं, इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की खबरों के बीच बसपा से कांग्रेस में विधायकों की बैठक होगी। जयपुर में यह बैठक होगी और बैठक का मुख्य एजेंडा रहेगा मंत्रिमंडल में जगह और राजनीतिक नियुक्तियां। हालांकि विधायक जोगिंदर सिंह अवाना इस वक्त नोएडा में, जबकि वाजिब अली ऑस्ट्रेलिया में। ऐसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ सहयोगी अंकित मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अंकित, क्या है जानकारी? देखिए, राजस्थान में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और जिस तरीके से कल रात को राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग का एक ट्वीट चर्चा में है और राजनीतिक हलकों में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो लगातार आपसी नाराजगी के मनमुटाव के बादल थे वो जगजाहिर हैं और अब एक तरह से उन पर मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सांकेतिक भाषा में राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने शायरी के तौर पर लिखा था और पिछले सीजन की अगर हम बात करें, जब वाद विवाद चरम पर था, उस समय भी लगातार पक्ष विपक्ष की सारी जो शायरी है उसके जरिए बातचीत हो रही थी। तो और लेकिन अब की बात करें तो अभी कई विधायक हैं जो चाहते हैं कि अब राजनीतिक नियुक्तियां और खासतौर पर जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें ज्यादा देरी नहीं हो। यही वजह है कि अब लगातार कई विधायक मुहर हो रहे हैं और जिस तरह के वेद प्रकाश सोलंकी ने फोन टेपिंग के आरोप लगाए, उसके बाद भाजपा भी लगातार इन पर हमलावर हो रही है कि विधायकों के फोन टेप किए जा रहे हैं। हालांकि उच्च स्तर पर ये बता दिया गया है कि इस तरह की कोई कोशिश राज्य सरकार की ओर से नहीं हो रही, लेकिन तमाम घटनाक्रम बताते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों पर से पर्दा हटने वाला है। जी अंकित, एक बात बताइए कि सीएम अशोक गहलोत को उस बैठक की जानकारी है और दूसरी बात ये कितने बजे बैठक होने वाली है? देखिए, बेहद अहम बैठक होने वाली है ये। हालांकि बैठक का समय में आंशिक बदलाव हो सकता है, लेकिन इतना है कि बैठक में कई मुद्दों पर मोहर लग सकती है और जो नाराजगी बसपा के दो विधायकों ने दिखाई है उस बसपा के विधायकों की जो संभावित नाराजगी है या उनकी मांग कह सकते हैं राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार में देने की, उस पर भी चर्चा हो सकती है। और इस बैठक पर निगाहें भी रहेंगी क्योंकि राजनीतिक लिहाज से बसपा के जो 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे, लंबे समय से उनका इंतजार भी बढ़ रहा है। ऐसे में उनको कितनी भागीदारी मिलती है उस पर भी निगाहें पूरे दिन बन रहेंगी। ठीक है अंकित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा से कांग्रेस में आए जो विधायक हैं उनकी आज महत्वपूर्ण बैठक होगी जयपुर में और तमाम मंत्री तमाम विधायक उसमें शामिल होंगे।